30 ईयर से कोटा देख रहा हूँ, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लैंड ग्रैबिंग कोर्ट, एसीपी कोर्ट, आप मेरे को सीआरपी पूछ लो, मेरे को क्रिमिनल प्रोसीजर पूछ लो, आप मेरे को सभी लाभ पूछ लो, तो मैं ना बोलता हूँ एडवोकेट नहीं हूँ। मैंने एक चीज़ देखा बचपन से, ब्राइट एडवोकेट आप बनना है तो आपके पास वोकैबुलरी एक 200 ऐसे वर्ड आने ना जज नहीं समझना तुम्हारा वर्ड, वो समझा तो तुमको ऑर्डर देता राइट, सीधा जाके वो तो जज नहीं देता। तो वोकैबुलरी डेवलप करो, ये दोनों पूरा आज एक लेसन है मेरे। 27/9/2023 रात में 8 बजे मैं अपने घर पे न्यूज देख रहा था, जीएमटी न्यूज 2। उसमें मैंने ये देखा कि फेरोज खान एक पॉलिटिशियन जो है कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के, वो किसी से मुखातिब होते हुए ये कह रहे थे कि उनको 30 साल का एक्सपीरियंस है कोर्ट में फिरने का, और वो आईपीसी सीआरपीसी और दीगर सेक्शंस के माहिर है, जो किसी एडवोकेट को भी वो नहीं मालूम है। और वो कहते हुए ये कह रहे थे कि जो भी एडवोकेसी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको कम से कम 200 वोकैबुलरी आना चाहिए, और वोकैबुलरी आने पर वो जज को गाली देकर कह रहे थे, उसको समझ में नहीं आता और वो ऑर्डर पास कर देता। तो इसकी हम बीइंग एन एडवोकेट सख्त मजम्मत करते हैं, और ऐसी गुफ्तगू को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके तहत हमने आज हाईकोर्ट ऑफ तेलंगाना में जनाब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना को एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके ऊपर इनिशिएट होगा इंशाल्लाह, और तमाम बार एसोसिएशंस में हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसके तहत हम लीगल एक्शन जरूर लेंगे। और मैं मीडिया के जरिए एक बात रखना चाह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 4 पिलर्स है, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और प्रेस है। जुडिशरी का एक अहम रोल है, हमारे देश में इस वक्त 140 करोड़ लोग हैं, जब भी कोई मासूम पे कोई जुल्म होता है तो वो एक बात कहता है कि कोर्ट हमारे लिए है, इंसाफ के लिए, और वो कोर्ट को आता है। तो फेरोज खान के जैसे लोग जब कोर्ट और जजेस को गाली देंगे, उनको नीचा दिखाएंगे, तो इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आम पब्लिक पे पड़ेगा, जिसको इसके बारे में नहीं पता है। तो इसके बारे में हम सख्त मजम्मत करते हैं, और अगर चाहे तो पूरी इंडिया में भी हम लोग तमाम कोर्ट्स में प्रोटेस्ट करेंगे, और लीगल एक्शन लेने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनको भी एक रिप्रेजेंटेशन भिजाया गया है, और देखते हैं कांग्रेस पार्टी इन लफ्जों पर फेरोज खान के क्या एक्शन लेती है, उनका क्या नजरिया और क्या स्टैंड होता है, इंशाल्लाह हम देखेंगे। और आगे हमारे बार एसोसिएशन के मेंबर जो है चौहान साहब, हाईकोर्ट में ही आप एप्लीकेशन किए जी, इसके अलावा भी हाईकोर्ट से आपको रजिस्ट्रेशन आप बिल्कुल हाईकोर्ट में हम लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए प्रोसीडिंग्स के लिए इनिशिएट करो बोल के रिप्रेजेंटेशन दिया है। इसके अलावा भी हम आईपीसी के तहत क्रिमिनल एक्शन के लिए पुलिस स्टेशन हबीबनगर में भी कंप्लेंट देंगे एज पर ज्यूरिसडिक्शन। आगे हमारे फेरोज खान अपनी जबान से लोगों में जाने जाते हैं, तो ऐसे आदमी को टिकट कांग्रेस पार्टी से टिकट देना या कोई और पार्टी से टिकट देना, इसके खिलाफ आप क्या बोलेंगे? देखिए किसी भी इंसान की जबान से उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान होती है, उसकी सोच क्या है, अगर जिसकी सोच जैसी है वो ऐसी जबान रखेगा। अगर आप रेस्पेक्ट नहीं कर सकते जजेस और जुडिशरी की, तो आपको इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। और आगे इसके बारे में हमारे बार एसोसिएशन के मेंबर जनाब चौहान साहब भी वो करेंगे इंशाल्लाह। हाईकोर्ट से बिल्कुल उसमें नोटिस दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन। ना पेरु किशन राज चौहान, नेनु बार एसोसिएशन मेंबर नी, जॉइंट सेक्रेटरी बार एसोसिएशन मेंबर नी। एदैते मन फिरोज खान गारु मात्लाडारो जुडिशरी गुरिंचि, అది ఆ విషయం గురించి మేమందరము భారతదేశం తరపు నుంచి అడ్వకేట్లం అందరము ఖండిస్తున్నాము, ఎందుకంటే ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడము ఒక రాజ్యాంగ పరంగా ఆయన ఎమ్మెల్యే కంటెస్టెంట్ క్యాండిడేట్, ఆ కంటెస్టెంట్ క్యాండిడేట్ ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ వాడితే సప్త సమాజానికి ఎలాంటి స్టేట్మెంట్ ఇస్తుండో ఆయన కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇలాంటి వ్యక్తులకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
లాంగ్వేజ్ బాగున్న వాళ్ళకే ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వాలి. ఇష్టం వచ్చినట్టు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేటోళ్ళకి ఇచ్చి జుడిషియర్ని డిస్టర్బ్ చేయడము, జుడిషియర్లో ఉన్న వర్డ్స్ వొకాబులరీ వర్డ్స్ వాడడము, ఇలాంటి ఏదేదో చెప్తున్నారు. ఇలాంటి వ్యక్తులన్నీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చట్టరీత్యా చర్య తీసుకోవాలి. భారతదేశం తరపు నుంచి తప్పకుండా ఇలాంటి వ్యక్తులపైన మా తరపు నుంచి చర్య తీసుకుంటాము. ఎందుకంటే న్యాయవాదులు నార్మల్ గా అంటే ప్రజల్లో ఉన్న థింకింగ్ అని చెప్తున్నా నేను, తను కూడా నా 30 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది అన్నట్టుగా చెప్పాడు. దాన్ని ఏ విధంగా ఆయనకు ఎలాంటి విషయంలో 30 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో ఆయననే కరెక్ట్ గా చెప్పుకోవాలి. జుడిషియరీ గురించి మాత్రం తప్పుగా మాట్లాడడం ఆయనకు కరెక్ట్ కాదు. ఆయనతో కలిసి ఒక అడ్వకేట్ కూడా ఉన్నాను సార్. ఉండడం చాలా మంచిది.